कितने बैठ गया तो खुद ही तो डिग ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूं है कि कल की ना हवा वगैरह चल रही थी कुछ तेज, मौसम भी कुछ ख़राब ही है, तो इसलिए कुछ बच्चों के सर्दियों वाले कपड़े निकाले हैं और कुछ रहते हैं। तो अभी मैं बक्से गाड़ी के ऊपर चढ़ के बक्से से निकालती हूँ और मेहमान आए थे तो ये कुछ बिस्तर वगैरह रख लीजिए उधर, ये गर्मियों वाले हैं ये अब उधर रखती हूँ बक्से में। तो बाकी कुछ निकालने आज बच्चों की, आगे पहले बिस्तर वगैरह तलाइयाँ वगैरह डाल दी थी कुछ रहती हैं, अभी वो भी निकालूंगी। तो चलती हूँ ऊपर और ये बच्चों के पहले सर्दियों वाले कपड़े जहाँ जहाँ रखे हुए हैं वो निकालती हूँ। खिलौना फिर बाबा खिलर गया साडा, एज वे सारा मेरे ख्याल गर्मी आ रही है, देखो गर्मी आ रही है, चादर है कोई पिछे नहीं होने बक्से वाले कपड़े ना हूं उधर रख दी ना। जरूरत है सारे कपड़े अगे पिछे खराब कर दिते नहीं मैं नहीं किसी ने भी दिया अब दूसरे बक्से में जिसमें से सर्दियों वाले कपड़े निकाले उस बक्से में ये गर्मियों वाले रख रही हूँ क्योंकि ये बक्सा नीचे मुझसे रखा नहीं जा रहा तो इसलिए उसी इस बक्से से निकाल के गर्मियों वाले कपड़े उस बक्से में रख लूँगी क्योंकि वो नीचे रखना तो ये बक्सा फारिग होगा, अगर कोई चीज़ और रखनी हो तो इसमें ऊपर इंसान रख लेता है, बार बार आगे पीछे छाड़े ताने नहीं पड़ते। तो इसलिए अभी जो गर्मियों चादरें जो ऊपर वाले बक्से में रखूँगी और जो ये कपड़े गर्मियों वाले वो रखूँगी नीचे नीचे वाले बक्से में। तो अमेमा बिटिया इधर हर चीज़ चेक कर रही है मुझे क्या क्या मेरी चीज़ है या क्या नहीं, बस अमेमा बिटिया को यही होता है कि बार बार कभी कोई लगा के चेक कर रही है कभी कोई कि मैंने क्या पहनना है। तो आज बार बार डिमांड हो रही है मम्मा हमने ये पहनना है वो पहनना है। तो अभी से जर्सियाँ तो अभी ये छड़े वगैरह सीधे पदरे करके ये सारी सेटिंग ठीक करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों को मेहमान आए थे, दो चार दिन हो गए तो उस दिन के जो बिस्तर वगैरह निकालें तो छड़े आगे पीछे सही करके नहीं डाले तो आज डाल लेती हूँ, ये भी सारी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अभी बच्चे बाहर आज संडे है खेल रहे हैं तो अब ये कपड़े रखते हैं सारे समेट के। अभी सर्दियों वाले कपड़े मैंने निकाली हैं, ये कपड़ा भी निकाली है मुझे इसकी भी बहुत चाप है, एक पड़े होते एक ही दफा मजी मैं बस मैं तो इलाज करने बैठा मेरा अब ऐसे जाग गया बेडरूम से सही करके वो मोबाइल ना गिर जाए सर तो नहीं नंगी। तो अभी ये जो पहनने वाले नहीं है ना ये
जाने आने के जब कहीं मेहमानों के काम जाता है तो तब के लिए ये अलहदा रखती हूँ ना, क्योंकि सेफ में तो जगह बची नहीं है। तो अभी तो निकाल निकाल के इधर से ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ क्योंकि सेफ में जगह मिल नहीं रही। तो जो मैंने पहनाया ना होगा ना मैं खुद ही पहनाऊंगी, आप चुप करके खड़े हो गए। अभी ये नहीं भी ये पहनना तो वो पहनना है। समय में इसके साथ ही कबीर आप किधर हो, नीचे उतरो। मेहमान ये जी चेयर पे रखो, चेयर पे रखो इसे। दूसरी कैब किधर है मैम? अभी सारी ना तैयारी करके रखी, फिर पता चलेगा जिस तरह की जहाँ को रखी हुई चीज हो, क्योंकि ये अभी सारी चीजें समेटती हूँ फिर बच्चों के बाल वगैरह कटवा के लेके आई हूँ। तो ये सारे अभी इनको नहलाना है, आज हवा काफी ठंडी चल रही है तो इसलिए ये पहले ही मैं ये चीजें नका रही हूँ कि फिर जरूर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ जो चीज बाहर पड़ी होगी। बच्चों को ये मफरल है इधर रखो इसे। बड़े भाई का किधर है, आपका किधर है, देख लेती हूँ मैं किधर है कोई चीज भी ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नमाज पढ़ के हटी हूँ। आज संडे था, आज तो सुबह की स्पीड लगी हुई काफ़ी, आज मौसम सर्दी भी बन गई, हम धूप भी नहीं निकली, ना कल निकली थी ना आज निकली है, लेकिन काफ़ी सर्दी बनी हुई है। कपड़े शपड़े धो के हटी हूँ, नमाज पढ़ी है, अभी बनाती हूँ चाय साथ साथ। आज ग्यारहवीं शरीफ का ख़त्म भी है गौस पाक का, तो वो भी कोई चीज़ बना के ख़त्म देना है, तो इसलिए चलती हूँ किचन में और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। रहमान रहीम किचन में आ चुकी हूँ, जो बच्चों ने रोटी खाई है तो इधर वैसी रखती है, और ये पड़ी है लस्सी, इसमें दूध की ज़रूरत है, और इधर पड़ा है मेरे पास माशाल्लाह जी आटा, तो ये दूध जाग लगाती हूँ कुछ, और ये है दही। फ्रिज को करती हूँ बंद अब, तो इधर ये भी चने का सालन काफ़ी दिनों का पड़ा है, तो ये फ्रिज मैंने अब बंद कर दी, अब नहीं ज़रूरत चलाने की। तो अब ये दही ऊपर रखना था, जिसे ऊपर रख देती हूँ क्योंकि नीचे फिर जायका चेंज हो जाता, ऊपर पड़ी हुई वो चीज़ी, तो इसे सालन को भी गर्म करते हैं। जिसने आलू गोभी का खाना होगा वो खा लेगा, जिसने चना का खाना होगा शरबे वाला वो खा लेगा, और साथ ही मैं जाग लगा लेती हूँ सुबह की लस्सी के लिए। इतनी लस्सी मुझे अब सर्दी काफ़ी हो जाती है, देश की मैंने साइड पे रख ली, और अब मुझे चाहिए दूध और जो मीठा कुछ बनाना है वो देखती हूँ किस डब्बे में मैंने रखा हुआ है। जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी बनाना कास्टर, तो ये मिल गया मुझे, और ये शुगर है, दूध भी मैंने कढ़ाई में डाल लिया, तो अभी मुझे चूल्हा ऑन कर दिया, और जो मुझे शुगर चाहिए थे वो भी ऐड कर लेती हूँ। ये डब्बा बाद में बंद करती हूँ, साथ ही मुझे 2 से 3 चम्मच चाहिए कास्टर के, तो ये भी डाल लेती हूँ। ये अंदाजे के साथ ही मैंने डाल लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मैंने कुछ काम करना है, तो फिर इसलिए अभी बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है, क्योंकि सुबह फिर मुझे देर हो जाती है तलावत करते हुए नमाज पढ़ते हुए, तो इसलिए अभी करूँगी। तो अभी इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, रहीम ये अच्छी तरह मिक्स हो गया पाउडर दूध में, तो अभी बनाना कास्टर, तो अभी इसको गाढ़ा करने तक पकाती हूँ अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ये कास्टर गाढ़ा हो चुका है, अभी नीचे उतारती हूँ तो रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर ठंडा होता है थोड़ा सा फिर ख़त्म देते हैं। गौस पाक का यानी कि 11 का ख़त्म, अभी से उतारती हूँ, नीचे गाढ़ा हो चुका है तो सालन गर्म करती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ। आज वैसे भी संडे थे तो बच्चे भी कुछ खा के खुश हो जाएंगे, वो पहले समीर बेटा आ जाए तो मामा जी आज आपके पास कोई मीठी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो यही सोचा यही बना लेती हूँ, दूध थोड़ा भी होगा तो ये चल जाएगा काम, अगर और कोई चीज़ बनाई तो उसमें दूध भी हर चीज़ ज़्यादा हो तो फिर चलेगा, तो इतना ही काफ़ी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही बस खाने के बाद खा लेंगे तो खुश हो जाएंगे बच्चे। आज अम्मा बेटी को लगी हुई सर्दी नहा के, तो चेक कर रही है हर चीज़ किधर क्या बन रहा है किधर क्या, ये कैप डाली हुई है तो मामा जी जे आज मैंने यही पहनना है तो ये कपड़े निकाले हैं तो यही पहन के खड़ी है। मामा क्या कर रहा है मेरा बिल्ला, भालू बना हुआ है ना आज, सर पे सींग लगे हुए हैं आज मामा के, क्या लगा है, भालू लगा है। हाँ। अच्छा चलो फिर कास्टर बन गया, अब ठंडा होता ना फिर खाना बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज मैंने पढ़ ली है, खत्म कर दिया गया, तो अभी बच्चों ने खाना खाना था लेकिन खाना नहीं खाया, खाना वैसे ही पड़ा है, तो अभी मामा जी हमने ना पहले कास्टर खाना है, तो अब देती हूँ बच्चों को कास्टर, तो वीडियो का एंड मैं इधर ही करती हूँ, जय हमारे की वीडियो जिन मेरे भाइयों को पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।